हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SS Live TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। जी हाँ दोस्तों, WWE स्मैकडाउन 5 चौंकाने वाली चीजें जो इस हफ्ते स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती हैं। WWE का इस हफ्ते एलिमिनेशन चैम्बर 2023 से पहले स्मैकडाउन का आखिरी एपिसोड देखने को मिलेगा। WWE स्मैकडाउन के इस एपिसोड के जरिए एलिमिनेशन चैम्बर के बिल्डअप का बेहतरीन तरीके से अंत करना चाहेगी। इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में रोमन रेंज वर्सेस सैमी जेन मैच की आखिरी बार हाइप किया जाएगा। बता दें, WWE स्मैकडाउन के इस एपिसोड के लिए पहले ही कई बड़े मैचों का ऐलान कर चुकी है। यही कारण है कि इस हफ्ते ब्लू ब्रांड का धमाकेदार शो देखने को मिल सकता है। इस आर्टिकल में हम 5 ऐसी चौंकाने वाली चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो कि इस हफ्ते WWE स्मैकडाउन के एपिसोड के दौरान देखने को मिल सकती हैं। नंबर 5, WWE स्मैकडाउन में नटालिया टैग टीम मैच में अपनी टीम को जीत दिला सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, WWE स्मैकडाउन के इस हफ्ते के एपिसोड के लिए नटालिया एंड शॉर्ट जी वर्सेज रोंडा राउजी एंड सेना वेल्जर के टैग टीम मैच का ऐलान किया जा चुका है। देखा जाए तो नटालिया एंड शॉर्ट जी के मुकाबले रोंडा राउजी एंड सेना वेल्जर बहुत टैग टीम है। हालांकि ये मैच नटालिया के होम टाउन मॉन्ट्रियल में होना है। यही कारण है कि WWE इस मैच में नटालिया को बेहतरीन बुकिंग दे सकती है। इस स्थिति में नटालिया इस टैग टीम मैच में अपनी टीम को जीत दिलाते हुए सभी को चौंका सकती है। देखा जाए तो नटालिया को इस जीत से विमेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच से पहले काफ़ी मोमेंटम मिलेगा। नंबर 4, WWE स्मैकडाउन के मैच के बाद ड्रू मैकइंटायर एंड सेम्स अपनी टैग टीम के अंत होने का ऐलान कर सकते हैं। जी हाँ, ड्रू मैकइंटायर एंड सेम्स लंबे समय से टैग टीम के रूप में काम कर रहे हैं और ये दोनों सुपरस्टार साथ मिलकर कई मैच भी लड़ चुके हैं। अब इस हफ्ते स्मैकडाउन में ड्रू मैकइंटायर एंड सेम्स को टैग टीम मैच में वाइकिंग राइडर्स का सामना करना है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि ड्रू मैकइंटायर एंड सेम्स इस मैच में वाइकिंग राइडर्स को हराने में कामयाब रहेंगे। चूँकि ड्रू मैकइंटायर एंड सेम्स लंबे समय से टैग टीम के रूप में काम कर रहे हैं, यही कारण है कि संभव है कि ये दोनों सुपरस्टार मैच के बाद अपनी टीम के अंत होने का ऐलान कर सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ड्रू मैकइंटायर और सेम्स रेसलमेनिया 39 में गुंथर के खिलाफ ICC चैंपियनशिप मैच का हिस्सा हो सकते हैं। ये मैच तभी संभव हो पाएगा अगर मैकइंटायर एंड सेम्स सिंगल डिवीजन में वापस लौटते हैं। नंबर 3, कुछ रॉ सुपरस्टार एलिमिनेशन चैम्बर इवेंट को हाइप करने के लिए स्मैकडाउन में दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इस हफ्ते स्मैकडाउन में एलिमिनेशन चैम्बर 2023 इवेंट को आखिरी बार हाइप किया जाएगा। WWE इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड के जरिए इस इवेंट को हाइप करने में शायद ही कोई कसर छोड़ना चाहेगा। यही कारण है कि WWE कुछ रॉ सुपरस्टार को ब्लू ब्रांड के एपिसोड का हिस्सा बन सक अगर ऐसा होता है तो इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड का रोमांच काफ़ी बढ़ जाएगा। बता दें, विमेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच में 3 रॉ और 3 स्मैकडाउन सुपरस्टार हिस्सा लेने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि इस मैच में शामिल रॉ सुपरस्टार ऑस्का कार्मेला और निकी क्रॉस इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में नजर आ सकती हैं। नंबर 2, गुंथर को मैडकैप माउस को हराने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैडकैप मॉस ने पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के फैटल 4-वे मैच जीतकर ICC चैंपियनशिप मैच में जगह बनाई थी। अब मैडकैप मॉस को इस हफ्ते गुंथर के खिलाफ ICC चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करने का मौका मिलेगा। कई लोग इस मैच में गुंथर के आसान जीत की अटकलें लगा रहे हैं। हालांकि मैडकैप मॉस की ताकतवर सुपरस्टार हैं और वो मैच के दौरान गुंथर को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि इस मैच के दौरान गुंथर के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और उन्हें काफ़ी संघर्ष करने के बाद मैडकैप मॉस को हराने की कामयाबी मिल सकती है। नंबर 1, WWE स्मैकडाउन में सैमी जेन द्वारा रोमन रेंज पर खतरनाक अटैक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में होना है। बता दें, मॉन्ट्रियल सैमी जेन का भी होम टाउन है। एलिमिनेशन चैम्बर में होने जा रहे मैच बड़े मैच से पहले इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में सैमी जेन और रोमन रेंज का आमना सामना होने की उम्मीद है। देखा जाए तो WWE होम टाउन क्राउड के सामने सैमी जेन को शायद ही कमजोर दिखाना चाहेगी। यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि सैमी जेन इस हफ्ते स्मैकडाउन में रोमन रेंज पर खतरनाक हमला करते हुए उनका बुरा हाल कर सकते हैं। इस चीज़ के जरिए सैमी जेन एलिमिनेशन चैम्बर इवेंट में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में अपनी जीत का दावा ठोक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SS Live TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।